वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस कवर अप ऑलरेडी कर ली थी दोनों के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी और फाइनेंशियल प्लानिंग के भी। उसके बाद हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पहला डिसीजन दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, वो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। अब उस वीडियो में हमने समझा था कि फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है, कि पैसा कहां कहां से हम रेज कर सकते हैं। हम डेट से पैसा लेंगे या हम इक्विटी से पैसा लेंगे, हमने डिसाइड किया था कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। इन टोटल देयर आर 8 फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी हैव सेलेक्टेड वेदर डेट इज बेटर और इक्विटी इज बेटर। नाउ द क्वेश्चन इज, जो फंड्स हमने रेज करे हैं, जो हमने फंड्स इकट्ठे कर लिए डेट से या इक्विटी से मिला के, उन पैसों को इन्वेस्ट कहां करना है। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या हम इस पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम लॉन्ग टर्म में डिसाइड करने वाले हैं तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हम कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाने वाले हैं। जो पैसा एक बार अगर लग गया फिक्स्ड एसेट्स में, हम उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो ह्यूज लॉसेस होंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इंस्टीट्यूट का सेटअप बनाने के लिए कुछ पैसे खर्चे फर्नीचर खरीदने के लिए, वो मेरे फिक्स्ड एसेट है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा हूं। अगर एक बार खरीद लिया ये फर्नीचर जिस पे आप बैठे हैं, इस फर्नीचर को खरीद लिया, पहली बात तो इसमें ह्यूज फंड इन्वेस्ट हो जाएंगे। ह्यूज फंड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि लार्ज अमाउंट। ह्यूज फंड का मतलब होता है जितना आपने बिजनेस में लगाना है उसका मेजर पोर्शन। भाई मैंने इस प्रोफेशन में इंस्टीट्यूट बनाने में 1,00,000 रुपए लगाना था, 1,00,000 में से 50 या 50 से 55,000 रुपए फर्नीचर में इन्वेस्ट होता है हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट। अब जो फर्नीचर है, फर्नीचर हो गया या फैंस, ट्यूब्स और बोर्ड, ये सब फिक्स एसेट ही आते हैं। आप देखो, आप खुद सोचेंगे कि अगर मुझे 1,00,000 इन्वेस्ट करना है उसका लगभग 80,000 रुपए मेरा इन चीजों में लगा होगा। आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हैं कि मेजर इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में होनी है। अब ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो गई, अब इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट को एक बार अगर मैंने कर दिया तो मैं इस डिसीजन को रिवर्स बैक नहीं। क्यों? अगर मैं करूंगा, मैं कहता हूं छोड़ो यार नहीं चलाते, तो मैं जब इन्हें बेचने जाऊंगा ना तो इनकी वैल्यू ऑलरेडी गिर चुकी होगी। रिवर्सिबल, अगर मैं इसको रिवर्स बैक कर रहा हूं, इट मे कॉज अ ह्यूज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लैंड और बिल्डिंग तो मैंने इसलिए बात ही नहीं करी, मैंने खरीदी नहीं ना, मेरी रेंटेड प्रीमिसेस है। समझ रहे बात को? मैं फिक्स एसेट्स जो जनरल यूज की बात कर रहा हूं, और जब कोई बिल्डिंग या लैंड खरीदता है तो वो बिजनेस पर्पस में उसको एज अ रेंटेड प्रीमिसेस ही यूज करता है। अपनी अगर हम बिल्डिंग यूज कर रहे हैं ना तो हम चार्ज करते हैं उससे जान के रेंट के फॉर्म में, जिससे कि अगर ये जमीन मैं यहां यूज ना करता तो कहीं और यूज करता तो वहां से रेंट आता। तो इसे हम इको की टर्म्स में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म्स में मैं उसे रिकवर जरूर करता हूं, चाहे अपनी खुद की प्रेमिसेस हो, बर्डन नहीं होता, बट स्टिल वी हैव टू रिकवर इट। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट दे आर एबल टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। कह रहे कैसे पैसा इन्वेस्ट करें जिससे अपने इन्वेस्टर के लिए हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न आप कमा सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से होते हैं? दिस डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट विद अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस। कह रहे हम उसमें लगाएंगे जिससे इफेक्ट जो आने वाला है लॉन्ग टर्म में आने वाला है, इमीडिएट इसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखता। एग्जांपल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा।
सिंस लॉन्ग टर्म एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट देयरफॉर दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इसलिए इसका तीसरा नाम क्या पड़ा हमने, फिक्स मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. समझ आ गई बात. वो कह रहे कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन लेने के फायदे क्या है, क्या क्यों जरूरी है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले डिसीजन लेने के फायदे क्या है. सबसे पहला लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि ये जो एसेट है ना आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने वाले हैं. आपका अगर एसेट खुद का है तो आप उसे ढंग से यूज कर सकते हैं. ये मेरी प्रेमिसेस जो है रेंटेड प्रेमिसेस है. आप देखते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करने से पहले चार बार सोचना पड़ता है, क्यों, कि मेरा तो है नहीं है एसेट. यहाँ पेंट भी अगर करवाया तो एट द लास्ट ये सब तो ओनर का ही रहने वाला है. तो इसीलिए हमें पहले ही डिसीजन लेना होता है. दिस डिसीजन अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ. ये डिसीजन इफेक्ट करता है आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को. द फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आर लाइकली टू यील्ड रिटर्न इन द फ्यूचर. कह रहे जब आप लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो फ्यूचर में मिलता है, कभी भी करंट में कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलता. समझ आ गई बात. नंबर टू, रिस्क इन्वॉल्व. कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क कैसे, कि पैसा तो आपका आज ही लग जाएगा और ह्यूज अमाउंट में लगेगा और फ्यूचर में होगा प्रॉफिट और वो भी कितना होगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए आपका रिस्क भी रहता है. फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज फंड्स टुडे, हाउएवर इट इंक्रीजेस द रिटर्न ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. और रिटर्न आपको लॉन्ग रन में देने वाला है तो आपको रिस्क रहता है. लास्ट, इररिवर्सिबल डिसीजन. आपको अभी बताया कि जो एक बार डिसीजन ले लिया उसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते. दीज डिसीजन वंस टेकन आर इररिवोकेबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज लॉस. रिवोकेबल तो है ही नहीं, अगर फिर भी करेंगे आप तो इट विल बी एट अ ह्यूज लॉस. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ते हैं उसके बाद आपका पॉइंट डिस्कस करेंगे. क्या है पॉइंट नंबर वन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा लगाना है या कम लगाना है, उसको इफेक्ट करने वाले कुछ कारण. सबसे पहला रीजन क्या लिखा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट. इधर समझेंगे बेटा, आप ही जवाब देंगे मुझे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट में, कि अगर बिजनेस आपको दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, आप किस प्रोजेक्ट से कितना कमा रहे हैं. अगर सपोज प्रोजेक्ट ए से आप 10% कमा सकते हैं, प्रोजेक्ट बी से आप 15% कमा सकते हैं, तो आप किस में पैसा लगाएंगे. बेटा ये जो आपने जवाब दिया बहुत जल्दी दिया, बिना कुछ सोचे समझे दिया कि सर उसमें रिटर्न ज्यादा है तो हम बी में लगाने वाले हैं. आपने एक चीज पे फोकस नहीं किया, सर 15% तो कमा रहे हैं लेकिन ये तो बता दो रिस्क किस में ज्यादा है. क्या इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ रिटर्न देखा जाता है या रिस्क भी देखा जाता है. अगर मैं कहूं रिस्क सेम है देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर बी ऑप्शन. समझ रहे हैं बात को. तो यही लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट. सपोज देर आर टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए एंड बी विद द सेम रिस्क इन्वॉल्व विद रिटर्न विद द रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोजेक्ट बी शुड नॉर्मली बी सेटल्ड. कोई प्रॉब्लम इसमें. आगे चलते हैं, कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है, कि बिजनेस में जो कैश के फ्लोज हैं वो कितने हैं, पैसा कितनी स्पीड से आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है या नहीं आ रहा. आप ये सब बातें डिसाइड कर लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट. अब आपके पास दो प्रोजेक्ट का ऑप्शन लेके चलते हैं. देखो बेटा ध्यान से समझना, प्रोजेक्ट ए आपको सपोज 4 लाख रुपीज पर ईयर देगा फॉर 5 years. प्रोजेक्ट बी आपको रुपीज देगा
18 लैप्स एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर के एंड में 18 लाख रुपए मिलेंगे, तो किस में इन्वेस्ट करना बेटर है? सोच लो पहले, रिस्क की बात नहीं है इसमें, रिस्क सेम है दोनों, बी में नहीं, हमेशा ए में। 4 लाख फॉर 5 ईयर कितने हो गए? 20 लाख। तो उन्होंने भी यही लिखा है, उन्होंने कहा एक बार इन्वेस्ट करने से पहले उसको केयरफुली एनालाइज कर ले, ऐसी बेवकूफी ना करे जल्दी जल्दी में 18 लाख दिखा इसी में लगाएंगे, समझ रहे बात को? तो उन्होंने भी ये लिखा है, पढ़ते हैं। When a company invest huge amount of funds in some project, जब आपको huge invest करना है, it expects to generate cash flow, उसको expectation होती है कि उसको cash flow generate होने वाले हैं over the period, कुछ कमाने वाला है वो। These cash flows are in the form of series of cash receipts and payments, कह रहे या तो वो series में हो सकता है, देखो इधर ये series का example है, in the form of सीरीज ऑफ, यानी कि 4-4 लाख 5 साल तक सीरीज चलेगी। एंड पेमेंट्स के बाद क्या लिखा है? ओवर द लाइफ टाइम, या फिर ओवर द लाइफ टाइम में एक बार कमाने वाले भाई, या तो सीरीज में कमाने वाले हैं या पूरी लाइफ टाइम में एक बार कमाने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले आपको इसको केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कह रहे हैं जब आप पैसा लगाने जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि इसी में, इस एग्जांपल को आपको और एक्सटेंड करके बता रहा हूं। प्रोजेक्ट ए में जो आपने इन्वेस्ट करना है ना आज की डेट में, दैट इज 10 लाख दोनों में, 10 लाख आपने इन्वेस्ट करना है, तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या होता है पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड का मतलब समझना, वो मेथड कहता है कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम में वापसी आ जाएगा मेरे पास घूम के। पहले मेथड में लगभग 2.5 साल में पैसा वापसी आ जाएगा, पहले 4 लाख फिर 4 लाख और अगले साल फिर 4 लाख, मुझे तो 10 लाख चाहिए ना अपने वापसी, तो लगभग 2.5 साल में आ जाएगा। इसमें कब आएगा सर? सारा का सारा फिफ्थ पीरियड के एंड में। तो अगर आप पे बैक पीरियड मेथड यूज कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने वाले हैं। yes. क्योंकि आप क्या चाहते हैं भाई, जल्दी से मेरा पैसा आ जाए, मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करके भी कमाना चाहता हूं। तो जो पे बैक पीरियड यूज कर रहा है वो फर्स्ट वाला यूज कर ले। एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेथड भी एक बार थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा आपके लिए आपके लेवल से ऊपर का होगा, कोशिश करते हैं समझने की। ये जो मैं 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, सॉरी 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आज मुझे कितने लगाने? 10 लाख। मैं 4 लाख रुपए मुझे मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे 4 लाख, सेकंड ईयर के एंड पे फिर 4 लाख, थर्ड फोर्थ ऐसे ही चलता रहेगा, 4-4 लाख मिलते रहेंगे। ठीक है, अब ये 4 लाख 1 साल बाद जो मिलने हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्या मतलब? अगर मुझे 1 साल बाद 4 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं आज बैंक में 4 लाख इन्वेस्ट करूं या कुछ कम इन्वेस्ट करूं? मुझे 1 साल बाद 4 लाख रुपए चाहिए, अभी है मेरे पास 4 लाख, तो मैं उस 4 लाख के 4 लाख को बैंक में इन्वेस्ट कर दूं या 3,90,000 करूं? कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, मतलब 3,90 के आसपास कुछ कम इन्वेस्ट करूं ना, तो वो बढ़ बढ़ के 4 लाख हो जाएगा 1 साल। इसको बोलता हूं मैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 4 लाख 1 साल बाद है इसकी आज की वैल्यू क्या है? इस मेथड को बोला जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR मेथड होता है। आपको ये मेथड नहीं समझना, मैं थोड़ा सा लॉजिक दिया। 2 साल बाद जो 4 लाख मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू और कम होगी,
क्योंकि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 2 साल बाद 4 लाख के कुछ और ज्यादा मिलने वाले, 3 साल बाद ऐसी चल, तो ऐसे ही जो मेरे 18 लाख रुपए मिलने हैं मुझे 5 साल बाद, उसकी वैल्यू भी कुछ और होगी। तो हमें अब ये दोनों में ये IRR मेथड को भी एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे ये मेथड नहीं पढ़ाने आपको, पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डिफरेंट मेथड को जरूर समझ लें कि कौन सा मेथड अच्छा है बिफोर इन्वेस्टिंग। कुछ बच्चे उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना, करो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया आते हैं तुम्हें, समझ रहे हैं? हमें लगता है सब कुछ सीखना है, अच्छा है, पैसा है, पर उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मत करने लग जाना। उस दिन आपको उसने कहा था कि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मैंने पढ़ना शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ है पढ़ने को। तो देखो क्या लिखा है, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले आपको टेक्निक्स लगानी पड़ती है, ठीक है? और उसके बाद आप अगर लिखना चाहें, वैसे मैंने वो लाइन जान के टाइप नहीं करी, द टेक्निक्स में बी पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा, और वरना यहां तक भी सफिशियंट है। टेक्निक्स में भी पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा, समझ आ गई बात? नेक्स्ट स्टेज ये देखो बेटा, हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन खत्म हुआ, शॉर्ट टर्म का एक ही पैराग्राफ है, इसके कोई फैक्टर्स भी नहीं है, तो इसको हम एंड अप करते हैं यहीं पे आज अभी कंप्लीट करके। क्या है शॉर्ट टर्म में जो पैसा लगता है बेटा, उसे हम क्या कह सकते हैं, जो हम पैसा करंट एसेट्स में लगाने वाले हैं। और इन्होंने करंट एसेट्स के 3 पार्ट किए, कैश, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। तो देखो क्या लिखते हैं, दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, क्योंकि रूटीन के लिए पैसा चाहिए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड इज कंसर्न्ड विद द डिसीजन अबाउट लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या आता है, इन्वेंट्री, कैश, डेटर्स एक्सेट्रा। दीज डिसीजन अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये अफेक्ट करते हैं हमारी कौन सी वर्किंग को, और वो इफेक्ट करते थे लॉन्ग टर्म डिसीजन को, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा, ये किस में, डे टू डे वर्किंग में, ठीक है? आगे चलते हैं, दीज डिसीजन अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करते हैं क्या, द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी कैसे, लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो करंट एसेट से या वर्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें पता लगता है कि डे टू डे में कितना चाहिए, यानी लिक्विडिटी कितनी रहेगी, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिकॉज शॉर्ट टर्म एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट लेस प्रॉफिटेबल देन फिक्स्ड एसेट। कह रहे हैं लिक्विड ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट इनमें कम होता है एज कंपेयर टू द फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। अब देखो हमने इसमें कितने चीजें पढ़ी, करंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 3, कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, ठीक है? अब इन तीनों का मैनेजमेंट आएगा, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल। यानी कि अगर आप अच्छी वर्किंग कैपिटल चाहते हैं तो आप इन तीनों मैनेजमेंट को अच्छे से कर लें। कौन सी 3, कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, डेटर्स यानी कि रिसीवेबल, जिनसे पैसा लेना है। क्लियर हो गए बात? इस टॉपिक को आज हम यहीं तक कवर करेंगे, कल हम करते हैं इसमें डिविडेंड डिसीजन। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।